सिकंदरिया जी, लाइसेंस आपकी वजह से मिला है तो रेड रिबन भी आप ही काटेंगे, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। चलिए लीजिए लीजिए। अरे रुको रुको रुको, इतने शुभ अवसर पर पहले एक पिक्चर तो बनती है कि नहीं? स्माइल। उनका किया था बीच में क्यों आ रहा है? बीच में हम नहीं आए सैम, बल्कि बीच में तू आया। छोटे बाबू I'm sorry छोटे बाबू, लेकिन अगर मुझे पता होता कि क्रिश भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है तो मैं इसमें कभी शामिल नहीं होता। मुझे मतलब बेटा, तुम्हें तो शामिल होना ही पड़ता क्योंकि तुम भी जानते हो कि हमें तुम पर कितना भरोसा है। तो छोटे पापा आप भी जानते हैं कि मैं आपकी कोई बात टाल नहीं सकता, पर माफ कीजिएगा बिंदिया जी भी तेरे साथ काम नहीं करना चाहती। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर बिंदिया जी इस प्रोजेक्ट में नहीं तो ये प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं करेगा। मैनेजर नहीं पार्टनर, तुझसे ज्यादा जानता हूँ और तुझसे ज्यादा समझता हूँ मैं बिंदिया जी, और तेरी जो हिस्ट्री रही है ना उसी को लेके आई एम श्योर 100% श्योर कि बिंदिया जी तेरे साथ काम करने के लिए नहीं मानेंगे। तुझे तो बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है मुझे, और एक चीज और पता है मुझे कि तू ये सब क्यों कर रहा है। क्योंकि तू नहीं चाहता। क्या चीज करती और क्या नहीं जानता कितना है उससे ज्यादा। हाँ मानता हूँ मेरा कोई हक नहीं है बिंदिया जी, और तेरा तो तूने क्या कर लिया क्रिश? अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि कितना हक दिया है तूने उन्हें और कितनी इज्जत। तू मानेगा नहीं ऐसे? तू मानेगा? तू मानेगा? ए, रुको रुको रुको। हाय, आज हूँ मैं टेली रिपोर्टर्स के साथ, आप लोग देखते रहिए सुहागन कलर्स पे 6:30 के स्लॉट में। थैंक यू। तो सीक्वेंस ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पापा ने बहुत सारी मतलब बहुत जगह दी है, पता नहीं कितने एकड़ उसको सैम को दे दिया है कि नया बिजनेस तुम स्टार्ट करो, और बिंदिया को पार्टनर बना दिया गया है। और मुझे जब ये बात पता लगता है कि सैम को बुलाने वाले भी पिताजी ही हैं हमारे, और इतनी सारी ज़मीन दे करके उसको बिंदिया को पार्टनर बना दिया है, और सैम अच्छा इंसान नहीं है जो बिंदिया के इर्द गिर्द रह रहा है, तो वो कल को उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो मैं जाके रोकता हूँ, बट वो लोग मेरी बात नहीं सुनते, उल्टा मुझे एक ताना सा मार के मुझे भेज देते हैं कि जाके जाओ अपने बाबूजी से पूछ लो। बिंदिया जी भी तेरे साथ काम नहीं करना चाहती। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर बिंदिया जी इस प्रोजेक्ट में नहीं तो ये प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं करेगा। मैनेजर नहीं पार्टनर, तुझसे ज्यादा जानता हूँ और तुझसे ज्यादा समझता हूँ मैं बिंदिया जी, और तेरी जो हिस्ट्री रही है ना उसी को लेके आई एम श्योर 100% श्योर कि बिंदिया जी तेरे साथ काम करने के लिए नहीं मानेंगे। तुझे तो बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है मुझे, और एक चीज और पता है मुझे कि तू ये सब क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि तू नहीं चाहता। तो इस टाइप का। तो मैं घर पे आता हूँ और मुझे पता लगता है, तो मैं बाबूजी को कहता हूँ कि अरे जब सब कुछ हमारा ही है तो पार्टनर मैं बनूंगा उसका। और फिर मैं जाता हूँ, और जो बात सैम को बुरा लग जाए, सैम को ये बात पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो चाहता ही है कि कृष्णा पार्टनर बने, तो वहाँ पे हमारी थोड़ी हाथापाई हो जाती है, बहस हो जाती है। क्या चीज करती और क्या नहीं जानता कितना है। हाँ मानता हूँ मेरा कोई हक नहीं है बिंदिया जी, तेरा तो तूने क्या कर लिया क्रिश? अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कि कितना हक दिया है तूने उन्हें और कितनी इज्जत। तू मानेगा नहीं ऐसे? तू मानेगा? तू मानेगा? ए, रुको, रुको, रुको। हाँ मतलब बिंदिया को ऐसा लग रहा है कि क्रिश गलत है, तो कि पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके बाद अब जब वो सैम के साथ खुश है तो फिर बीच में आ रहा है, तो फिर इस वजह से वो चली जाती है कि क्रिश यहाँ क्यों आ रहा है। बट उसके पीछे की भी बहुत सारे रीजंस है कि क्यों आ रहा है। वो जानती नहीं है कि सैम किस टाइप का आदमी है, क्या नहीं है।
आगे को यही आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो क्या सच्चाई है सैम की, अभी वो क्या ऐसा कौन सा मकसद लेकर के आया है और बिंदिया के आसपास क्यों है, उसको कितना, उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है वो, ये बात अभी किसी को नहीं पता मेरे अलावा। तो वो चीज़ आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा सुहागन कलर्स पे 6:30 के स्लॉट में।